बात करेंगे महाराष्ट्र के भंडारा जिले की, जहां के न्यू बॉर्न केयर सेंटर में जो आग लगी थी, उस आग में 10 मासूम नवजातों की बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। हालांकि यहां के डॉक्टरों का यह कहना है कि 7 नवजात बच्चों को किसी तरह बचाने में कामयाबी मिल गई है। इस घटना में 10 नवजात बच्चों की मौत की खबर है। अस्पताल के सिविल सर्जन के मुताबिक इस घटना में 7 बच्चों को कड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार बचा लिया गया। भंडारा के जिला अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भंडारा पहुंचकर घटनास्थल का दौरा किया। शिशु केयर यूनिट में जो आग लगी थी, उसकी चर्चा इस समय पूरे देश में हो रही है। कई लोगों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भंडारा जिले में पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भंडारा के भोजापुर जाकर पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की। पीड़ित परिवार में विश्वनाथ और दीपा बहरे, इस दंपति को उन्होंने सांत्वना दी। पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर देने का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह घटना बेहद भयावह है और उसकी जांच के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जो पूरी तरह से तत्पर है और उसकी हर उस एंगल से जांच कर रहा है। इसके अलावा मुंबई दमकल विभाग के प्रमुख पीएस रहंगडलई को भी इस जांच में शामिल करने का निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वयं दिया है। इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में अग्निशमन यंत्रों की जांच के आदेश दिए हैं। न्यूबॉर्न केयर सेंटर में यह आग आखिर कैसे लगी, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह के चलते यह आग लगी हो सकती है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। संजू बूम विधानसभेचे अध्यक्ष मोदी आलेले आहेत, याचाच अर्थ असा की जी दुर्घटना घडली त्याच्यात खरं काय घडलं संजू आम्ही प्रत्यक्ष राहणार नाही। मी आता या कुटुंबियांना भेटलो, हात जोडून उभं राहण्याखेरीज माझ्याकडे दुसरे कोणतेही शब्द नव्हते, कारण सांत्वन करता येईल असे कोणतेही शब्द निदान माझ्याकडे तरी नाही आहेत। आणि या घटनेनंतर एक चौकशी तर झालीच पाहिजे, त्याच्यामध्ये हा अपघात अचानक घडलेला आहे का, जसं आपण म्हणालात की आधी अहवाल आल्यानंतर सुद्धा दुर्लक्ष केलं गेलं हेही तपासलं जाईल। एक गोष्ट मी नम्रपणाने आपल्याला सांगू इच्छितो की गेलं वर्षभर आपण ज्या संकटाचा सामना करतो ते म्हणजे कोरोना, त्या संकटाचा सामना करताना इतरत्र कुठे अशा गोष्टी डोळेझाक केली गेलेली आहे का किंवा केली तर गेली नाही ना, याची सुद्धा चौकशी करण्याचे आदेश मी काल दिलेले। पूर्ण राज्यातल्या सरकारी हॉस्पिटलचं एक सेफ्टी ऑडिट, फायर ऑडिट हे लवकरात लवकर करण्याचे आदेश दिले गेलेले आहेत। फक्त मी एवढंच सांगेन की एक टीम आपण तयार केलेली आहे, याचा मुळापर्यंत राहिला, त्याच्यात विभागीय आयुक्तांना सुद्धा ही जबाबदारी दिलेली आहे। आणि मुंबईतून आपल्या अग्निशमन दलाचे जे नियम होते रामदळे, त्यांची सुद्धा मी नेमणूक त्याच्यात केलेली आहे। कुठेही कसर राहणार नाही आणि जे काही आहे सत्य आहे ते बाहेर येईल, आणि जर त्याच्यात कोणी जबाबदार असलात तर त्याच्यावरती कडक कारवाई झाल्याशिवाय राहणार। सर, पाच पाच सर, रिपोर्ट कधी येईल सर? रिपोर्ट